ओके सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एंड्रॉइड चैनल पर। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सैमसंग की तरफ से आने वाले एंड्रॉइड 13 अपडेट के बारे में। वेल एज यू नो, यहाँ पर बीटा 4 वर्ल्ड वाइड चल रहा है एंड रिसेंटली यहाँ पर सैमसंग ने इंडिया के अंदर बीटा 3 को रिलीज़ कर दिया है। अगेन यहाँ पर बताया जा रहा है जो आउट ऑफ इंडिया बीटा 4 है वही इंडिया के अंदर बीटा 3 के नाम से रिलीज़ हुआ है, क्योंकि इंडिया में जो अपडेट है एंड्रॉइड 13 का वो थोड़ा सा डिले हुआ था एज़ कम्पेयर टू वर्ल्ड वाइड सैमसंग ने बहुत पहले ही जो अपडेट है वो रोल आउट कर देता है एंड इंडिया के अंदर थोड़ा सा बाद में जो है अपडेट को हमें देखने को मिला था S22 सीरीज के अंदर। यहाँ पर S22 अल्ट्रा कुछ रिसेंटली एंड्रॉयड 13 का जो थर्ड बीटा अपडेट मिला है इंडिया के अंदर एंड यहाँ पर इस स्मार्टफोन के लिए क्या क्या इंप्रूवमेंट्स है, क्या क्या अपडेट के अंदर देखने को मिलता है, सभी के बारे में आपको इस वीडियो के अंदर इन्फॉर्म कर दूंगा। सबसे पहले चीज़, यहाँ पर जो अपडेट है इस अपडेट के अंदर हमें देखने को मिलता है 1.4 GB के ऊपर की अपडेट फाइल एंड इस अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद में आपको एंड्रॉयड जो वर्जन है वो तो बेसिकली कोई रहेगा, बट UI जो वर्जन है उसमें सैमसंग ने कुछ कुछ चेंजेस करे हैं। अपने यूज़र इंटरफेस के अंदर जो एनिमेशन की प्रॉब्लम आ रही थी, कहा जा रहा है कि वो फिक्स हो गई है एंड्रॉयड 13 के थर्ड बीटा को इंस्टॉल करने के बाद में। एंड इसके अलावा काफ़ी सारे बग्स को फिक्स किया गया, जैसे कि अगर आप अपने डिवाइस का वॉलपेपर चेंज कर रहे हैं तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली वो बार बार क्रैश हो रहा था, तो उस चीज़ को भी सैमसंग ने जो है इस अपडेट के थ्रू फिक्स कराए। एंड यहाँ पर आपका डिवाइस अगर चार्जिंग पे है तो ऑटोमेटिकली डिसकनेक्ट हो रहा था, तो वो चीज़ भी यहाँ पर सैमसंग ने इस अपडेट के थ्रू ठीक कर दिए। साथ ही में यहाँ पर स्पीकर में भी प्रॉब्लम आ रही थी, कभी चल रहा था कभी नहीं चल रहा था, कभी एयर पीस काम नहीं कर पा रहा था, स्टीरियो स्पीकर प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा था, तो उस चीज़ को भी यहाँ पर सैमसंग ने फिक्स कराया। इसके अलावा यहाँ पर सैमसंग ने इसके जो 120 हर्ट्ज़ है उसको भी इंप्रूव्ड किया है। एंड यहाँ पर इंप्रूवमेंट के बारे में अगर बताऊँगा तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, खैर बहुत सारे इंप्रूवमेंट है। तो बीटा में मैं कभी भी कहता हूँ कि कभी भी नहीं कहता कि आप कोई अपडेट इंस्टॉल ना करें। बीटा में अगर आपने रजिस्टर कर दिया है, आँख मीच करके हर अपडेट को इंस्टॉल करना, बिकॉज वो प्री बिल्ड फॉर्मवेयर होते हैं, उसके अंदर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कचरा होता है, मतलब बहुत ज़्यादा बग्स होते हैं एंड सैमसंग अपडेट्स के थ्रू उसको इंप्रूव करता ही रहता है। तो मेक श्योर आप इसको ध्यान से अपडेट कर लें एंड अगर आपको कुछ मेजर इंप्रूवमेंट नज़र आता है तो नीचे कमेंट करके सेक्शन में बता दे सकना, मैं उस कमेंट को पिन कर दूँगा टॉप पर, तो और यूज़र्स की हेल्प हो पाएगी। बाकी यही था आज की इस वीडियो में, मिलते हैं आपसे किसी ऐसी अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, साइन आउट।